तो जय जय संगवारी, कैसे हो आप सब? मैं राजेंद्र कुमार आप सभी के स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल राजेंद्र कुमार ब्लॉग में। संगवारी हो, आज हम आ हैं गरियाबंद के भूतेश्वर नाथ में। तो चलो चलथन यहाँ भगवान भूतेश्वर नाथ के दर्शन करबो और आप सब मन लभी दिखाबो। और यहाँ बहुत सुबह कल रात से पानी गिरा था, बहुत तबाही बारिश है। हम छतरी रेनकोट भी पहने और संग में छतरी तक धरे हैं। तो चलो संगवारी चलथन अंदर दर्शन करथन भूतेश्वर नाथ के। जो भी संगवारी अभी तक मेरे चैनल में नया है, मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं करे हो कर सन रोते मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो में लाइक करो और नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करो, जगह से हमारे आने वाले वीडियो के अपडेट आप सही समय मिल सके। तो चलो संगवारी चलथन अंदर और भूतेश्वर नाथ के दर्शन करो। संगवारी मन तको आ है, संतु भाई है, विकास भाई, राहुल भाई है, डहानला चलत है। चलो देखो देव भाई पार में है। तो चलो चलथन भूतेश्वर नाथ के दर्शन करे पर। भूतेश्वर नाथ है गरियाबंद जिला में पड़ते और यह प्रकृति निर्मित शिवलिंग है, ये ओकर मुख्य गेट है, आपन देखत हो। तो चलो चलथन अंदर, बहुत ही सुंदर। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। संगवारी हो, अभी चलत है सावन और ये सावन में बहुत से आदमी मन है महादेव के शिवलिंग में जल चढ़ाए पर आते। तो यहाँ देखो कैसन भीड़ भी लगे है और पानी देखो, बारिश चलत है कंटिन्यू, कल भी चली से रात भर चले है। और ये पूरा बाजार टाइप के लगे, यहाँ मार्केट है, दुकान वकान सब लगे है। सभी सामान वाले मन के दुकान लगे है, देखो कांवर वाले मन आए हैं मन शिवलिंग के ऊपर जल अर्पण करे पर। पूरा दुकान वकान सब लगे है, डमरू खोजत देखा सब पूरा माहौल, सब जल चढ़ाए पर आते मन है। तो संगवारी हो, ये भूतेश्वर राज जो शिवलिंग है ते प्रकृति निर्मित हरे। देखो सामने में हवे, ये हरे भूतेश्वर महादेव के शिवलिंग है। यह प्राकृतिक रूप से बने हुए शिवलिंग है, मानव निर्मित नो है। देखो जल अर्पण करे बार आए मन। देखा तो आप मन कैसन यहाँ जल चढ़ाए पर आ है और ये तरफ में है महादेव के ठीक सामने में नंदी जी, काफी बड़े नंदी जी है। वे तरफ में कल्की भगवान, भगवान कल्की हरे है, भगवान कल्की हरे, भगवान कल्की मूर्ति यहाँ मूर्ति बना है, साथ में हमारा दुर्गा है, भगवान कल्की हरे यहुआ। और ये तरफ में भुवनेश्वरी शरण व्यास सिरकंडी आश्रम के गुरुजी है। चलो संगवारी चलथन अंदर में और महादेव ला नज़दीक से देखथन शिवलिंग ला, बहुत ही सुंदर है, बहुत बड़े है, ये देखो
देखो तो चारों तरफ हमन घूमथन। देखो बहुत बड़े है, ये तरफ में वासुकी भगवान है, से ओकर नाग है। ये देखो यहाँ पत्थर में बने हुए है शिव पार्वती गणेश भगवान। पानी गिरते छे तो चारों तरफ से हमन शिवलिंग ला देखता। बहुत बड़े तिरछुल बने हैं शिवलिंग के सामने में शंकर महादेव के। शिवलिंग के अलावा भी और कुछ छोटे छोटे मंदिर है, तो वह मंदिर में हम चलथन और देखथन। ये हरे जय मारुति नंदन हनुमान जी के मंदिर हरे। ये देखो और करे पार में एक और मंदिर है, ये है राम जानकी मंदिर। मंदिर में राम सीता और लक्ष्मण जी है। अब ये तरफ में कुछ आश्रम जैसे है श्री भूतेश्वरनाथ धाम। देखो यहाँ रुके वगैरह पर धर्मशाला टाइप के बना है। अरे देखा था ना अपन भूतेश्वरनाथ, बाबा भूतेश्वरनाथ के बगल में ओपार में एक ठोकाउच मंदिर दिखा थे सेतु बांध और रामेश्वरम के बना है मंदिर हो है। जल हरी लिखा है यह पत्थर में। ये हरे सेतु बंद रामेश्वरम, तो रामेश्वरम में जो महादेव जी की स्थापना कर रही है शिवलिंग के, ये है बहुत ही सुंदर बना है यहाँ। और रामेश्वरम के बाद में एक पार है श्री लक्ष्मी नारायण के मंदिर है। ये हरे श्री लक्ष्मी नारायण के मंदिर। गेट लगे हैं अभी वहाँ। और ये है गणेश जी के मंदिर। एक मंच बने हैं और मंच में जगह में सूर्य भगवान है अपन सातों घोड़ों सर, और ये तरफ में हवे दोनों तरफ में मंच के बाहर में शेर बने हैं और मंच के अगल बगल में दो पेड़ बने हैं, पेड़ हवे जिसे लगत है ओकर स्तंभ है कि के। वे जगह में छोटे
छोटे से गुफा है। नीचे सीढ़ी बने हैं, नीचे कोई नहीं जाएगा, नीचे नहीं जाएगा कोई ऐसे ऐसा पूजा करे बार आ है। आज का पांच गिरस बारिश में तो चलो संगवारी यहाँ घूम चुके हैं, अब चलता ना वापस।